ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 14 जुलाई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:36 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा फिर से निफ्टी ने एक बार गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ऊपरी स्तर पर सस्टेन नहीं हो पाया, फेल हुआ और नीचे आकर ये क्लोज हुआ। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 13 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,848 के पास। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ और टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ मूव हुआ। तो फर्स्ट टारगेट 10,873 ये अचीव हुआ, और ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हो रहा था, 10,894 का इसने हाई लगाया था कल। और जैसे ही ये टूवर्ड्स फिर से एक बार साउथ की तरफ आया, तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल का इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, और ऊपर जाते वक्त फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए कल भी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और ट्रेंड लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 9,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार तेज़ी के साथ खुले थे, लेकिन जब क्लोज हुए तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। नासडेक करीब 226 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। कोरोना वायरस के लगातार केसेस बढ़ने का टेंशंस हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी तक वैक्सीन के बारे में खबरें आ रही है, लेकिन अभी तक WHO या फिर कोई भी इस सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आया है। तो यहाँ पर देखें तो यूरोपियन मार्केट्स कल हरे निशान में बंद हुए थे, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जो US का यहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, वही एशियाई बाज़ारों में हमें देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी करीब करीब 55 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और लगभग सभी एशियाई बाज़ार इस समय लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो हालांकि यहाँ पर 58 पॉइंट की अभी इस समय बढ़त रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से कमजोरी के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये इन तीनों मूविंग एवरेजेस वीकली चार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसने तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन किया है लास्ट 2 डेज। तो क्या ये अभी यहाँ पर सस्टेन होगा, एक बियरिश कैंडलस्टिक बनाया। अभी इसका हाई अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से कंटिन्यू हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये शूटिंग स्टार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा कोई एक रेड कैंडल बनता है, और इन दो मूविंग एवरेजेस जो है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, अगर इन दोनों को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ, तो फिर से निफ्टी में एक बार हमें करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल निफ्टी लगातार ऊपर जा रहा है, तो बीच में करेक्शन आना भी लाजमी हो सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सीनारियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर एक बार आप फिर से देखें तो कल का छठा दिन था, फिर से एक बार इसने इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहा और नीचे आकर यह क्लोज हुआ। तो ओवरऑल बुल्स में स्ट्रेंथ यहाँ पर कम दिखाई दे रही है कंपेयर टू बेयर्स। तो अगर निफ्टी इंडेक्स 10,700 के नीचे चला जाता है, 700 सपोर्ट होगा, लास्ट 4 दिन से यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो अगर 10,700 अभी क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन जाता है, इसको ब्रेक करता है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ से और गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। RSI देखें तो कल इसने लास्ट स्विंग लो को इसने स्विंग हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसा ऊपर की तरफ बना है, लेकिन इसका एंगल देखें तो इस एंगल
के हिसाब से ये एंगल काफ़ी स्टीफ है, तो यहाँ पर बुल्स की स्ट्रेंथ लगातार कम होते हुए हमें दिखाई दे रही है। अगर इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जो निफ्टी का ट्रेंड है अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो अप ट्रेंड है, इसमें कोई करेक्शन आता है तो सपोर्ट के लेवल पे यहाँ पर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ही निफ्टी इंडेक्स में हमें गिरावट और टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स कल भी हमने देखा, ये ऊपर से जब नीचे आया तभी ये फिर से एक बार ऊपर जाने की, यानी फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो रहा था। तो जहाँ पर ये लेवल हमारा आ रहा था फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, वहाँ पर एग्जैक्ट इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो आज पिवट पॉइंट का लेवल भी वहाँ पर ही आ रहा है एग्जैक्ट। तो 10,818 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,836। ये हमारा क्विकली एक फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,859, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो कल का लो इसे कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए, यानी 10,755 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, जो कि 10,741 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA, ये अराउंड ये जो लोअर बैंड बन रहा है, ये जो रेंज बाउंड ट्रेडिंग का लोअर बैंड बन रहा है उसी के आसपास आ रहा है। तो 10,717 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।